तीन भुवन में सा वीतराग विज्ञान शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रयोग संहारिकै नमहु त्रयोग संहारिकै नमहु त्रयोग संहारिकै जय जिनेन्द्र चरणाला की पाठशाला कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम अंतिम दोहे की चर्चा करेंगे। यह छेड़ाला का अंतिम दोहा है। इस दोहे में ये बताया गया है कि दौलत राम जी ने कब इस छेड़ाला ग्रंथ की रचना की, किसके आधार से उन्होंने इस छेड़ाला ग्रंथ को रचा और उन्होंने किस प्रकार से अपनी लघुता प्रकट की है। मंगलाचरण से अपनी चर्चा को प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो वायरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सौ साऊणम तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिके जय बोलो मुनि संघ की जय। अब तक हमने छेड़ाला की विषय वस्तु को समझा। आज हम समझेंगे कि दौलत राम जी ने कब इस ग्रंथ की रचना की और किस प्रकार से उन्होंने अपनी लघुता प्रकट की। आज हम कोई छोटी सी रचना रच लेते हैं तो उसमें हमें अभिमान चढ़ जाता है, ऐसा लगता है कि हमसे बड़ी रचना करने वाला कोई नहीं है। लेकिन दौलत राम जी अपने आप को अत्यंत मंद बुद्धि का बताते हुए अन्य जो ज्ञानी जन हैं उनसे निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि यदि हमारे इस ग्रंथ में कोई भूल चूक रह गई हो तो उसको बुद्धिजन सुधार के पढ़े। आइए देखते हैं दौलत राम जी के शब्दों में क्या है उनकी लघुता। एक नौ वसु एक वर्ष की तीज शुक्ल वेशाख करियो तत्व उपदेश लगी बुद्ध जन की भाक लघुदि तथा प्रमाद ते शब्द अर्थ की भूल सुधी सुधार पढ़ो सदा जो पावो भवकूल। भावार्थ पंडित दौलत राम जी ने पंडित बुद्धजन जी के द्वारा रचित छेड़ाला के आधार पर यह तत्व उपदेश संवत 1891 की वैशाख शुक्ल तृतीया को पूर्ण किया। पंडित जी कहते हैं कि अपनी अल्पबुद्धि तथा प्रमाद के कारण यदि कहीं शब्द या अर्थ की भूल हुई हो उसे विद्वान लोग सुधार कर पढ़ लें। इसे पढ़कर जीव संसार का किनारा पा सकता है। एक नव वसु एक वर्ष की, अर्थात एक माने एक, नौ मतलब नौ, वसु माने आठ, एक मतलब एक, एक आठ नौ एक। इसको यदि हम उल्टा देखें तो एक नौ वसु एक अथवा एक वसु नौ एक, यानी 1891 संवत में दौलत राम जी ने इस ग्रंथ की रचना की थी। आज से लगभग पौने 200 वर्ष पूर्व दौलत राम जी ने इस छेड़ाला ग्रंथ को रचा था। कब रचा था, किस दिन रचा था, तो तीज शुक्ल वैशाख अर्थात वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन यह ग्रंथ पूरा हुआ था। छेड़ाला ग्रंथ वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन पूरा हुआ था। उन्होंने इस ग्रंथ की रचना अलीगढ़ के शासनी ग्राम के अंदर एक मंदिर में बैठकर की थी। आज भी उस मंदिर के अंदर छेड़ाला ग्रंथ लिखा हुआ है। उनकी मूल रचना आज भी पाई जाती है। ये दौलत राम जी यद्यपि अत्यंत साधारण गृहस्थ थे,
लेकिन इन्होंने अपनी परिश्रम से और अपने पुरुषार्थ से अनेक शास्त्रों का अभ्यास किया। कहा जाता है कि गोमटसार उनको मुखाग्र था और ये प्रतिदिन 7-8 श्लोकों को कंठस्थ करते थे, छापे छापने का काम करते थे और साथ साथ में श्लोक भी याद करते जाते थे। तो ऐसे दौलत राम जी ने, जो कि गृहस्थ अवस्था में थे, तो भी उन्होंने यह अद्भुत ग्रंथ हमें दिया। 1891 संवत में वैशाख शुक्ल तृतीया को यह ग्रंथ पूरा किया। करियो तत्व उपदेश, अर्थात तत्व का उपदेश इसमें पाया जाता है। इसमें 7 तत्व की चर्चा है। और किसके आधार से उन्होंने यह ग्रंथ रचा? तो लखी बुद्ध जन की भाख, अर्थात बुद्ध जन की छहडाला को देखकर उन्होंने इस छहडाला ग्रंथ को रचा। आप देखेंगे कि इसके पहले से एक छहडाला मौजूद थी, बुद्ध जन जी ने इसके पहले एक छहडाला और लिखी थी और उस छहडाला के आधार से दौलत राम जी ने छहडाला लिखी। लेकिन आज बुद्ध जन जी की छहडाला को बहुत कम लोग जानते हैं और दौलत राम जी की छहडाला आज जन जन के कंठ का विषय बन चुकी है। दौलत राम जी ने इसको इस रीति से रचा कि इसके पहले की सारी छहडालाएं मानो विलुप्त सी हो गई। तो दौलत राम जी ने बुद्ध जन की ढाल के आधार से इस छहडाला ग्रंथ को रचा। और क्या कहते हैं? लघुधी तथा प्रमाद थे। लघुधी अर्थात अल्प बुद्धि से, माने दौलत राम जी ये कहते हैं कि मैं अत्यंत अल्प बुद्धि वाला हूं, लेकिन अल्प बुद्धि होने पर भी मेरे से भी अल्प बुद्धि वाले जीव और दिखाई देते हैं। जैसे कोई विद्यार्थी किसी स्कूल में पढ़ता है, वह विद्यार्थी तो विद्यार्थी है, लेकिन जब वह देखता है कि मुझसे भी कम बुद्धि वाले और विद्यार्थी है, तो वो उन अल्प बुद्धि वाले विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए स्वयं पुरुषार्थ करता है, उनके लिए मेहनत करता है और साथ में कहता जाता है कि मैं स्वयं भी विद्यार्थी हूँ। मैंने तो और अपने से कम बुद्धि वाले शिष्यों को देखकर, अन्य स्टूडेंट को देखकर यह ग्रंथ रचा है। उसी प्रकार दौलत राम जी कहते हैं कि मैं अत्यंत अल्प बुद्धि वाला हूँ और मैंने अन्य जो जीव हैं जो मुझसे भी अल्प बुद्धि वाले हैं उनके लिए यह ग्रंथ रचा है। और इसमें यदि मेरे प्रमाद से, मेरी अज्ञानता से अथवा मेरी किसी भी प्रकार से कोई यदि भूल हुई हो, शब्द के अंदर कोई भूल हो गई हो, व्याकरण में कोई भूल हो गई हो, अर्थ संबंधी कोई भूल हो गई हो, तो हे भव्य जीवो तुम उसे सुधार कर पढ़ना। लघुदी तथा प्रमाद ते, अर्थात अल्प बुद्धि और प्रमाद से यदि शब्द और अर्थ की भूल हुई हो तो सुधी अर्थात बुद्धिमान जीव सुधार, उसको सुधार के हमेशा पढ़े। सुधी सुधार पढ़ो सदा, अर्थात बुद्धिमान लोग उसको हमेशा सुधार के पढ़े, मेरी कोई गलती पर हास्य ना करे, क्योंकि मैं तो अल्प बुद्धि वाला हूँ। जिस प्रकार से मानतुंग आचार्य ने भक्तामृत स्त्रोत में कहा है कि जैसे कोई बालक जल के अंदर पड़े हुए चंद्रमा के प्रतिबिंब को पकड़ने का प्रयास करता है, उसी प्रकार हे जिनेंद्र देव मैं आपकी भक्ति करता हूँ। उसी प्रकार दौलत राम जी कहते हैं कि मैं अत्यंत अल्प बुद्धि का होकर भी इस शास्त्र को रचने का साहस करता हूँ और यदि मेरे से कोई शब्द अर्थ की भूल हुई हो तो बुद्धिमान लोग उसको सुधार के पढ़े, उससे उन्हें क्या मिलेगा? जो पाओ भवकुल, अर्थात संसार समुद्र से वे तिर जाएंगे। यदि वे इस ग्रंथ का मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, पढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे, तो उन्हें निश्चित रूप से रत्नत्रय की प्राप्ति होगी, संसार का अभाव होगा, मोक्ष पद की प्राप्ति होगी। इस ग्रंथ को पढ़ने का फल सिद्ध अवस्था की प्राप्ति है। और आगे दौलत राम जी क्या कहते हैं और इस पूरी छहडाला ग्रंथ का क्या सार है, इसकी चर्चा में अल्प विराम के बात करेंगे। जय जिनेंद्र छहडाला की पाठशाला कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है। हमने दौलत राम जी की लघुता का हमने इस दोहे के माध्यम से वर्णन किया।
अब हम चर्चा करेंगे कि इस पूरे ग्रंथ का क्या सार है, इस पूरे ग्रंथ में किन बातों का वर्णन है। आप देखेंगे कि दौलत राम जी ने इस ग्रंथ की रचना अत्यंत वैज्ञानिक पद्धति से की है। जिस प्रकार से कोई वैद्य होता है, कुशल वैद्य, वो रोगी को सर्वप्रथम उसके रोग से होने वाली दुर्दशा का वर्णन करता है। यदि रोगी को सीधे दवाई दी जाए तो हो सकता है उसको वैद्य पे श्रद्धा ना हो और वो दवाई ले ही नहीं। इसलिए दौलत राम जी ने भी सीधे रोग से मुक्त होने का उपाय नहीं बताया, अर्थात सीधे सम्यक दर्शन ज्ञान चैत की चर्चा प्रारंभ नहीं की। सर्वप्रथम उन्होंने पहली ढाल में रोग से होने वाली दशा का वर्णन किया। क्या है हमें रोग? संसार रूपी रोग प्रत्येक जीव को पाया जाता है और इस संसार रूपी रोग से चार गति के अंदर परिभ्रमण है। चार गति में किस किस प्रकार से जीव दुख भोग रहा है उसका वर्णन उन्होंने पहली ढाल में किया है। आप देखेंगे कि ये जो दौलत राम जी के ग्रंथ है, विद्वानों के ग्रंथ है, तो उन्होंने उसमें पहले दुखों का वर्णन किया है। दुखों का वर्णन करने से हमें प्रतीति उत्पन्न होती है कि हमें ये दुख वास्तव में है, क्योंकि इन दुखों को हम रात दिन भोगते हैं। इन दुखों का परिचय हमें रात दिन है, इन दुखों से हम परिचित हैं। इसलिए जिनका परिचय है उसके द्वारा अपरिचित का ज्ञान कराया है। चतुर्गति के दुखों को हम स्वयं भोग रहे हैं, हम आप सब चार गति के अंदर जन्म मरण के दुख भोग रहे हैं, रागादि भाव की आकुलता का दुख भोग रहे हैं, मोह राग द्वेष के दुख को भोग रहे हैं। तो इस प्रकार से पहली ढाल में चार गति के दुखों का वर्णन किया। जिस प्रकार से मरीज को सबसे पहले वैद्य उसके दुखों का वर्णन करता है, बाद में जब मरीज ये कहता है कि अरे इन वैद्य ने तो मेरे दुखों को जान लिया, फिर वो पूछता है कि मेरे इन दुखों का कारण क्या है, तो वैद्यराज जी उसको उसके दुखों का कारण बतलाते हैं कि तेरे इन दुखों का कारण ये है कि तूने अपथ्य का सेवन किया है, अर्थात तूने इन इन गलत गलत चीज़ों का सेवन किया है, तूने बेसन के भजिए खाए हैं उदाहरण के लिए, इसलिए तुझे रोग हुआ है, तुझे रात भर ये तकलीफ रही। तकलीफ क्यों रही? क्योंकि तल तूने भूख से भी अधिक भोजन किया, तुझे जो जो चीजें मना की थी तूने उन चीजों का सेवन किया, तूने कल ये खाया है और तेरे को इस कारण से तकलीफ हुई है। तो जब रोगी को अपने रोग के कारणों को भी वेदराज जी बता देते हैं तो उस रोगी को वैद्य के ऊपर असीम श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। उसी प्रकार दूसरी ढाल में दौलत राम जी ने दुखों के कारणों का वर्णन किया कि हमारे दुखों के कारण क्या है। तो उन्होंने कहा हमारे दुखों का कारण हमारे ही अंदर मौजूद है, हमारे दुखों का कारण कोई दूसरा नहीं है, हमारे दुखों का कारण हमारी स्वयं की मिथ्या बुद्धि, हमारा स्वयं का मिथ्या ज्ञान और हमारा स्वयं का मिथ्या आचरण है, अर्थात हमारा श्रद्धान खोटा है इसलिए हम दुखी है, हमारा आचरण खोटा है इसलिए हम दुखी है, हमारा ज्ञान विपरीत है हम इसलिए दुखी है। हमें दुख का कारण अपने अंदर खोजना चाहिए। दुख का कारण बाहर नहीं है, दुख का कारण हमारे भीतर है। क्या है वो दुख का कारण? मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र। तो इस प्रकार दूसरी ढाल में मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र का वर्णन किया, सात तत्व की भूल का वर्णन किया, ग्रहित अग्रहित मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान का वर्णन किया, ग्रहित अग्रहित मिथ्या चरित्र का वर्णन किया और फिर तीसरे ढाल से उन्होंने मोक्ष मार्ग की चर्चा प्रारंभ की। वास्तव में रोग की दवाई वो तीसरी ढाल से है, संसार रूपी रोग का उपाय, संसार रूपी रोग को मिटाने का उपाय वह तीसरी ढाल से प्रारंभ होता है। इसलिए हम यह भी कह सकते हैं कि मोक्ष मार्ग का निरूपण वह तीसरी ढाल से प्रारंभ हुआ है। जिस प्रकार वैद्य रोगी को दुख की अवस्थाएं और दुख के कारण बतलाकर फिर दवाई देता है, उसी प्रकार दौलत राम जी ने भी चतुर्गति दुख का वर्णन करके दुखों का कारण बताया और उस दुखों से मुक्त होने का उपाय उन्होंने तीसरी ढाल से प्रारंभ किया। तीसरी ढाल में सात तत्व का स्वरूप है, सात तत्व के श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन का स्वरूप है और सम्यक दर्शन की महिमा गाई गई है। चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान का वर्णन है, एक देश सम्यक चैत का वर्णन है, अर्थात तीसरी चौथी पांचवी छठी ढाल में वास्तव में संसार रूपी रोग से मुक्त होने का उपाय बताया है। आज हम अपने जीवन में मोक्ष मार्ग को यदि अपना लें तो हमारे अनंत काल के दुखों का अभाव हो सकता है। ये मोक्ष मार्ग को अपनाने के लिए हमें अपने अंतरंग में धर्म की रुचि उत्पन्न करना होगी। धर्म की रुचि उत्पन्न करने के लिए हमें आगम का अभ्यास, देवशास गुरु की शरण में जाना होगा। हम जितना समय अपने
तत्व चिंतन में उपयोग करेंगे, तत्व मनन में करेंगे, तत्व के अभ्यास में करेंगे, वही वास्तव में समय हमारा सार्थक है। यदि हम अपने समय को मंदिर में देते हैं तो हमारा उतना समय निराकुलता में बीतता है। हमें तत्काल आनंद की अनुभूति होती है। हम देखते हैं कि घर के अंदर आकर हम विषय कषाय की अग्नि में जलते हैं और मंदिर में ऐसी शांति और ऐसे आनंद का अनुभव करते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि वास्तव में इससे बढ़कर कोई शांति का कोई उपाय नहीं है। तो हमें अपने समय को अधिक से अधिक धर्म ध्यान में लगाना चाहिए। रत्नत्रय को प्राप्त करने के लिए सतत उद्यमवंत रहना चाहिए। जिस सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय दौलत राम जी ने तीसरी ढाल में बताया, सात तत्व का श्रद्धान वो सम्यक की प्राप्ति का उपाय है। उस सात तत्व को अच्छे से समझना चाहिए, सात तत्व को पढ़ना चाहिए, सात तत्व के लक्षण भेद प्रभेद आदि समस्त प्रकार से उसका स्वाध्याय करना चाहिए। यदि हम अपना समय तत्व अभ्यास में लगाएंगे तो नियम से हमें एक दिन रत्नत्रय की प्राप्ति, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। ग्रंथों में कहा भी गया है कि कोई अनेक प्रकार से सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय करे, लेकिन यदि वह तत्वाभ्यास नहीं करे तो सम्यक की प्राप्ति का अधिकारी नहीं होता है। और तत्वाभ्यास का उपाय है स्वाध्याय। स्वाध्याय भी हमें व्यवस्थित एक क्रम में करना चाहिए, मंदिर में करना चाहिए। मंदिर स्वाध्याय के लिए सर्वोत्तम स्थान है। हम स्वाध्याय तो करते हैं लेकिन हमारा स्वाध्याय क्रमिक नहीं होता। आज हम मंदिर में जाते हैं, कोई सी भी किताब खोलते हैं और पढ़ने लगते हैं। वास्तव में जो एक व्यवस्थित क्रम जिनागम में बताया है उस क्रम से हमें स्वाध्याय करना चाहिए। क्या है वो जिनवाणी को पढ़ने का क्रम, इसकी चर्चा में कल विराम के बात करेंगे। जय जिनेन्द्र छड़ाला की पाठशाला कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है। हमने चर्चा की थी कि जिनवाणी पढ़ने का क्या क्रम होना चाहिए। आज हम जिनवाणी तो पढ़ते हैं लेकिन हम कोई सी भी जिनवाणी को पढ़ने लगते हैं, अर्थात हमारे पढ़ने का एक व्यवस्थित क्रम नहीं होता। शांति पद प्रदर्शन में वर्णी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि जिस प्रकार हम लौकिक पढ़ाई एक व्यवस्थित क्रम में करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें धर्म की पढ़ाई भी एक व्यवस्थित क्रम में करना चाहिए। इसको हमें अत्यंत गंभीरता से लेना चाहिए। जिस प्रकार से लौकिक पढ़ाई के लिए हम रात दिन एक करते हैं, उसी प्रकार हमें अपने आत्मकल्याण के लिए भी इसमें समय देना चाहिए। कम से कम हमें प्रतिदिन रोज आधा घंटा एक घंटा जिनवाणी के स्वाध्याय में अवश्य लगाना चाहिए। वैसे तो सारा जीवन जिनवाणी पढ़ने में समर्पित होना चाहिए, परंतु कम से कम आधा घंटा एक घंटा तो रोज अभ्यास होना ही चाहिए। अब प्रश्न आता है कि जिनवाणी पढ़ने का क्या क्रम होना चाहिए। तो आज जो हमारे विश्वविद्यालय हैं, जो वहाँ क्रम निर्धारित किया गया है, वह क्रम अत्यंत वैज्ञानिक तरीके से निर्धारित किया है। हम उसी क्रम से स्वाध्याय करें। उदाहरण के लिए हम सर्वप्रथम बालबोध भाग 1, 2, 3 का अभ्यास करें, उसके बाद छड़ाला का अभ्यास करें, छड़ाला के बाद रत्नकरण श्रावकाचार, पदम पुराण, पुरुषार्थ सिद्धि पाए, तत्वार सूत्र, बृहद्रव्य संग्रह, गोमट सार, इन ग्रंथों का स्वाध्याय करें। प्रथमानियोग के अनेक ग्रंथ हैं। आप प्रथमानियोग के ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें महापुरुषों के जीवन चरित्र का परिचय मिलेगा, कैसा उनका अद्भुत जीवन था, पुण्य पाप का फल हमें देखने को मिलेगा। जीव अनादि अनंत है, इस बात की सिद्धि प्रथमानियोग के ग्रंथों से स्वयं हो जाएगी। प्रथमानियोग के ग्रंथ है पदम पुराण, हरिवंश पुराण, आदि पुराण, उत्तर पुराण, जम्बू स्वामी चरित्र, श्रेणिक चरित्र। यदि आप प्रद्युम्न चरित्र पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें समस्त प्रकार के रोचक प्रसंगों का भी वर्णन किया है और अत्यंत मार्मिक ढंग से हमें वीतराग मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी गई है। अनेक लोग कहते हैं कि प्रथमानियोग में क्या है, प्रथमानियोग में तो मात्र कहानियां हैं, लेकिन वे मात्र कहानियां नहीं है। उन कहानियों के माध्यम से धर्म को धारण करने की प्रेरणा दी गई है। जैसे कोई बच्चा होता है तो बच्चा सीधे दवाई को नहीं लेता, उसको पताशे के अंदर रख के दवाई दी जाती है। उसी प्रकार कहानियों के माध्यम से जीवों को धर्म में लगाया गया है। वो प्राथमिक भूमिका के लिए
उसे प्रथमा नियोग का स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। 24 तीर्थंकरों के पुराण, 24 तीर्थंकर पुराण है, इन ग्रंथों का स्वाध्याय हमारे जीवन में अवश्य होना चाहिए। आप देखेंगे कि हम करणानियोग के माध्यम से, अध्यात्म के माध्यम से हम उसको सिखाते हैं कि जीव अनादि अनंत है, लेकिन ये बात उसके चित्त में उतरती नहीं है। और वही बात जब वह कहानियों के माध्यम से, भव भवांतरों की कहानियों के माध्यम से पढ़ता है, तो उसको श्रद्धांत स्वयं में उत्पन्न हो जाता है कि जीव अनादि अनंत है। क्योंकि हमारे प्रथमानियोग के पुराण कम से कम 10 भवों की चर्चा करते हैं। जब 10 भवों की चर्चा आती है तो उसमें स्वयं ही सिद्ध हो जाता है कि जीव कहीं से आया है, अर्थात उसके पहले की भी कोई जीवन है, उसका कोई पूर्व का भव है, और उसका पूर्व का भव ही नहीं अपितु बाद का भी भव है। यदि 3 भव सिद्ध हो जाते हैं तो जीव अनादि अनंत सिद्ध हो जाता है। यदि जीव का पहले का भव है तो उसके पहले का भी हो सकता है, उसके पहले का भी हो सकता है। इस प्रकार से अनादिकाल हो, अपने आप अनादिकाल सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार जीव का यदि 1 आगे का भव है तो उसके 1 आगे का और हो सकता है, 1 आगे का और हो सकता है। इस प्रकार जीव की अनंतता भी सिद्ध हो जाती है। और प्रथमा नियोग के अंतर्गत पाप का फल अपने आप दिखता है तो जीव पाप से डरता है, पुण्य का फल दिखता है तो धर्म में लगता है। इस प्रकार हमें प्रथमा नियोग के ग्रंथों का स्वाध्याय अत्यंत रुचिपूर्वक करना चाहिए। प्रथमा नियोग के ग्रंथों में सर्वप्रथम पद्म पुराण हमें अवश्य पढ़ना चाहिए। पद्म पुराण के अंदर अत्यंत वैराग्य के अनेक प्रसंग है, अनेक महापुरुषों के जीवन चरित्र का वर्णन है। उसमें बताया है कि किस प्रकार से महापुरुषों ने गर्भ के बालक को तिलक करके और मुनि दीक्षा ले ली। उन्होंने जब ये सुना कि पुत्र उत्पन्न हो गया है, ये बात सुनते ही उन्होंने राज्यपाट छोड़कर और मुनि दीक्षा ले ली। और भी अनेक वैराग्य के प्रसंग पद्म पुराण ग्रंथ में मिलते हैं। इसी प्रकार चरणानियोग के ग्रंथों से हमारा आचरण पवित्र होता है। आज हम देखते हैं कि हम चर्चा तो बहुत ऊंची ऊंची करते हैं, लेकिन हमारा आचरण अत्यंत निंद हो चला है। 5 पाप करते हुए, अत्यंत तीव्र कषाय के कार्य करते हुए, सप्त व्यसन का सेवन करते हुए भी हमें कोई डर नहीं लगता। हमारे धंधों में, हमारे व्यवसायों में सट्टेबाजी की प्रवृत्ति हो चली है। तो हम इन चरणानियों के ग्रंथों का स्वाध्याय करें, अपने आचरण को सुधारें, श्रावक जैसा जीवन हमारा होवे, हमारे जीवन से पाप की प्रवृत्ति हटे, तो वास्तव में हमने चरणानियों के ग्रंथों का स्वाध्याय किया है। चरणानियों के ग्रंथों में रत्नकरण श्रावकाचार, पुरुषार्थ सिद्धि पाए, अनगार धर्मामृत, सागार धर्मामृत, मूलाचार, ज्ञानानंद श्रावकाचार आदि अनेक ग्रंथ, वसुनंदी श्रावकाचार, अमित गति श्रावकाचार, उपासकाध्यन, दौलत राम जी का क्रियाकोश, किशन चंद जी का क्रियाकोश आदि अनेक ग्रंथों का स्वाध्याय करें। और करणानियोग के ग्रंथों का स्वाध्याय करें जिनकी बुद्धि गणित में अच्छी है। वास्तव में बुद्धि तो लगाने से अपने आप अच्छी होती है। तो करणानियोग के ग्रंथ गोमट सार जीव कांड, गोमट सार कर्म कांड, त्रिलोक सार, त्रिलोय पण्डिति, इन ग्रंथों का स्वाध्याय करें। जब हम गोमट सार जीव कांड को पढ़ेंगे तो उसमें गुणस्थान, मार्गणा स्थान आदि के द्वारा जीव का विशेष श्रद्धान होगा, अर्थात जीव तत्व के बारे में विशेष जानकारी मिलेगी। जिस प्रकार एक सामान्य श्रद्धान होता है और एक विशेष श्रद्धान होता है। सामान्य श्रद्धान कि किसी कोई व्यक्ति सामान्य रूप से जानता है कि ये हीरा है, लेकिन जो जोड़ी को जो हीरे का ज्ञान होता है वो विशेष ज्ञान होता है, इसलिए जोड़ी का श्रद्धान हीरे के बारे में अधिक है, विशेष है। सामान्य शास्त्रो नूनम विशेषो, सामान्य तो विशेषो बलवानम भवेत, अर्थात सामान्य से विशेष बलवान होता है। तो सामान्य शास्त्र तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन जब हम करणानियोग के शास्त्रों का अभ्यास करते हैं तो हमारे तत्व के संबंध में और सूक्ष्मता बढ़ती है। तो हम करणानियोग के शास्त्रों का स्वाध्याय करें। इसी प्रकार अध्यात्म के ग्रंथों का भी स्वाध्याय करें, बृहद द्रव्य संग्रह, पंचाशी काय, प्रवचन सार, और उसके बाद समय सार आदि ग्रंथों का भी स्वाध्याय करें। हमारा जीवन स्वाध्यायमय हो, हमारा जीवन पाप से बचे, हम अपने जीवन को धर्म मार्ग में लगाएं, मोक्ष मार्ग में लगाएं, वास्तव में तभी हमारे मनुष्य भाव की सार्थकता है। इस धर्म का फल तत्काल हमारे जीवन में मिलता है। जब हम धर्म का सेवन करते हैं तो हमारे जीवन में तत्काल आनंद की अनुभूति होती है। ये धर्म नगद का कार्य है, वास्तव में धर्म उधार का सौदा नहीं है। अनेक लोग कहते हैं कि धर्म करेंगे तो अगले भाव में उसका फल मिलेगा, वास्तव में धर्म का फल अगले भाव में नहीं है। जो जीव धर्म को धारण करता है वो तत्काल उसी समय से शांति का अनुभव करने लगता है, और शांति से बढ़कर इस संसार में और कोई चीज नहीं है। वास्तव में हम संसार के जितने काम कर रहे हैं वह सुख के लिए कर रहे हैं, और धर्म हमें तत्काल सुख को प्रदान करता है, न केवल वर्तमान में सुख को प्रदान करता है अपितु अनंत काल के लिए हमें शाश्वत सुख को प्रदान करता है। ऐसा ये धर्म हम सबके जीवन में उतरे, हम सब जीव धर्म मार्ग में लगे और शाश्वत मोक्ष सुख को प्राप्त करे,
इसी भावना के साथ हम इस छैडाला ग्रंथ को समाप्त करते हैं। इस छैडाला ग्रंथ के स्वाध्याय के दौरान मेरी ओर से किसी प्रकार की कोई जिनवाणी के संबंध में त्रुटि हुई हो, यदि जिनवाणी का अर्थ बताने में अथवा किन्हीं शब्दों में मेरी ओर से किसी प्रकार की भूल हुई हो, तो मैं आप सभी दर्शकों से उसके लिए क्षमा याचना करता हूँ। मुझको अल्प बुद्धि वाला जानकर आप सभी जीव क्षमा करेंगे। इसी भावना के साथ जय जिनेंद्र। पाठशाला सार। धर्म का फल वर्तमान में भी आनंद है एवं भविष्य में भी अनंत काल तक सुख है। धर्म करने से ही मनुष्य भव की सार्थकता है। बिना धर्म धारण किए मनुष्य पशु के समान है, अतः हमें जीवन को धर्ममय बनाना चाहिए। छठवीं ढाल के अध्ययन से हमें दो बातें सीख लेनी चाहिए। पहली बात कि संसार के आवागमन से बचने के लिए हमें वीतरागी मुनि बनने की भावना सदा हृदय में रखनी चाहिए और मुनिव्रत धारण करने का साहस करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आत्मध्यान में लीन होने पर ही सच्चा आत्मसुख प्राप्त होता है, इसलिए श्रद्धापूर्वक आत्मध्यान करने का अभ्यास करना चाहिए। हम विषय कषायों का सेवन सदा से करते आए हैं, उससे मन हटाकर आत्मकल्याण के लिए समय निकालना चाहिए, अवसर नहीं खोना चाहिए।